एक जंगल में कलवा कौवा रहता था। पूरे जंगल में कोई भी पंछी उससे प्यार नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। वह सभी को डांटता मारता रहता, जिससे पूरे जंगल के सभी पंछी परेशान रहते थे। वह केवल टुनटुनी चिड़िया के समझाने पर ही कलवा कौवा को जंगल में रखे थे, नहीं तो पूरे जंगल के पंछी, उनका यह मानना था कि कलवा कौवा को यह जंगल छोड़ करके चला जाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला था। सभी पंछियों के साथ गुस्से में बातें करता और उन्हें हमेशा डांटते रहता। अरे बुलबुली चिड़िया, मैंने सुना है कि तुमने अपनी बेटी का एडमिशन दूसरे जंगल में करा दिया है। क्यों करा दिया है एडमिशन उसे दूसरे जंगल में? इस जंगल में स्कूल की कमी थी? तुम्हारे अंदर भी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो कलवा कौवा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी बेटी दूसरे जंगल में बड़े स्कूल में पढ़ाई कर रही है, तो उससे तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम जाओ, जाकर के अपना काम करो। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। सलाह नहीं दे रहा हूँ बुलबुली चिड़िया, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, ऐसे मत करो। उसे दूसरे जंगल में पढ़ने के लिए मत भेजो। दूसरे जंगल में बहुत खतरनाक चील रहते हैं, वह उसे मार करके खा जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, दूसरे जंगल में जा करके वह बहुत ज्यादा पढ़ लेगी? अरे कुछ नहीं पढ़ेगी, जो पढ़ेगी वह इसी स्कूल में पढ़ेगी। उसे वापस लेके आओ। अरे गजब जिद्दी पंछी हो यार तुम, मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम यहाँ से जाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हारा काम ही क्या है दूसरे पंछियों से झगड़ा करना और उसे तंग करना, जो तुम अभी कर रहे हो। पर याद रखना, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करने वाली और न ही मैं तुम्हारी बातों से तंग होंगी। तुम जाओ यहाँ से। तुमने मुझे झगड़ालू कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब बुलबुली चिड़िया। देखो अब मैं क्या करता हूँ, अभी जाता हूँ और दूसरे जंगल से तुम्हारी बेटी को उठा करके वापस लेके आता हूँ और इसी जंगल में एडमिशन कराता हूँ। अपने इस जंगल का कोई भी पंछी दूसरे जंगल में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। हम लोगों के जंगल में स्कूल की कमी थोड़ी है। देखो कलवा कौवा, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं पूरे जंगल में सभी पंछियों के साथ मिलकर के तुम्हें यह जंगल छोड़ने पे मजबूर कर दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया भी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि इस बार तुमने हद पार कर दी है। तुम मुझे जंगल छोड़ने की धमकी दे रही हो? जाओ, जो करना है वो कर लो तुम। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी बेटी को वापस ले करके ही आऊँगा। तुम्हें जो करना है, जो अच्छा लगे वो कर। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें पता है इस बार कलवा कौवा ने हद पार कर दी है। मैंने कितनी मुश्किल से फीस भर के उसे अपनी बेटी को दूसरे जंगल में एडमिशन कराया है, और वह बोल रहा है कि वह जा करके उसे वापस लेके आएगा। अगर ऐसा किया तो इस बार तो पक्का उसे इस जंगल से बाहर कर दूंगी मैं। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। ऐसी बात है क्या बुलबुली चिड़िया? तुम चिंता मत करो, मैं जाती हूँ और कलवा कौवा को समझाती हूँ। कलवा कौवा, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जंगल के सभी पंछी तुम्हारे खिलाफ है और वह जरा सी भी तुम्हारी गलती पर वह जंगल को बाहर निकाल देंगे तुम्हें, फिर वापस तुम कभी नहीं आ पाओगे। निकालने तो जंगल से डरता हूँ क्या मैं? मैं वापस आ जाऊँगा। मैं जंगल में के सभी पंछियों को बाहर निकाल दूंगा, देखता हूँ कौन क्या करता है मुझे। इस तरह रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा को लेकर के कुछ सोचती रहती है। अगले दिन सुबह होती है और वह कबूतर मौसी के साथ मिल करके उसे सारे प्लान बताती है और वह कलवा कौवा के पास जाती है। फिर कलवा कौवा को वह लोग एक रस्सी से पेड़ में बांध देते हैं और उससे बोलते हैं, देखो कलवा कौवा, जब तक से तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तुम इस पेड़ में बंधे रहोगे, और जब तक से तुम यह हम लोगों से वादा नहीं करते कि आज के बाद कभी भी तुम दूसरे पंछियों को तंग नहीं करोगे और गुस्से में बात नहीं करोगे, तब तक से तुम लोगों को मैं हम लोग खोलेंगे नहीं। तुम ऐसे कि ऐसे ही पेड़ में बंधे रहोगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। कलवा कौवा वैसे ही पेड़ में बंधा रहता है। कुछ दिनों के बाद कलवा कौवा आखिरकार टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, बस करो टुनटुनी चिड़िया, अब मैं और नहीं सह सकता, मुझे जल्दी से खोलो।
अब मुझे बहुत जोरों की भूख प्यास लगी है। 2-3 दिनों से लगातार भूखा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा और किसी भी पंछी को कभी भी तंग नहीं करूँगा।